Dear students, open your page number 62, exercise 3B. Today we will solve question number 6 and 7. Question number 6 is, change these mixed numbers into improper fractions. Dear students, aapko question number 5 mein bhi main already mixed fraction ko improper fraction mein change karna samjha chuki hoon. सेम उसी मेथड से ही हमने इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में समझाया था. जी स्टूडेंट, यहाँ मेरे पास ये पार्ट है 3 होल 1/4. आप लोगों को मैंने क्या समझाया था कि ये जो होल वाली वैल्यू है उसको किससे, जो कि डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उससे क्या करते हैं, मल्टी प्लाई. इस वैल्यू से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. फिर जो कि उसका आंसर आता है उसे इसमें क्या करते हैं, प्लस. आपको याद आया है ना, ठीक है. तो ये देखें, अब 3/4 तक कितना होता है, 12. ओके, 12 में अब हमने किसने को, किस चीज़ को प्लस करना है, 1 को. किसको प्लस करना है, 1 को. तो स्टूडेंट, 12 में अगर मैं 1 ऐड करती हूँ तो मेरे पास कितना बनेगा, 13 बनेगा ना. तो यहाँ मैं क्या पुट करूँगी, 13. मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 13/4. बी पार्ट मेरे पास है 2 होल 3/10. अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप लोग खुद बताएं. 2 को 10 से क्या करना है, मल्टीप्लाई. उसका जो आंसर क्या आ रहा है, 10^20. अब इसमें मैंने किस चीज़ को ऐड करना है, हाँ जी बोलें, खुद ही बोलें, 3 को. किसमें, 3 को प्लस करना है. तो जब मैं 20 में 3 को प्लस करूँगी तो मेरे पास आंसर कितना आता है, 23. 10^20 और ये 3 कितना हो जाएगा, 23. तो यहाँ मैं क्या पुट कर दूँगी, 23/10. जी स्टूडेंट्स, अब सी पार्ट मेरे पास है 3 होल 7/8. देखें मैंने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आप मुझे बताएं, फर्स्ट स्टेप कौन सा है. 3 को 8 से मैं क्या करूँगी, बोलें मल्टीप्लाई. उसका आंसर क्या आएगा, 3/8 = 24. अब मैंने 24 में क्या करना है, क्या करना है, बोले 7 को प्लस करना है. जब मैं प्लस 7 करूँगी, 24 और 7 कितना आता है स्टूडेंट, हाँ जी काउंट करें, 31 आता है ना. तो यहाँ मैं क्या पुट करूँगी, 31. ये क्या हो जाएगा, 31/8. डी पार्ट क्या है हमारे पास, 1 होल 5/12. तो आप लोग खुद बताएं, 1 को 12 से मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई. 12 × 12. अब मैं क्या करूँगी, 12 में आप लोग खुद बताएं क्या करूँगी, 5 ऐड करूँगी. क्या करूँगी, 5 ऐड. जब मैंने 12 में 5 को ऐड किया, प्लस किया, तो कितना आंसर आ रहा है स्टूडेंट, 12 और 5 कितने होते हैं, हाँ जी शाबाश, 17. 17/12 मेरे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा. जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास क्या है, रीड आउट करें, चेंज दीज इनटू मिक्स फ्रैक्शंस. जी स्टूडेंट्स, ए पार्ट मेरे पास क्या है, 9/2. इस क्वेश्चन का हम लोगों ने सोल्व कैसे करना है, इसका आपको मैं मेथड बता दूं कि अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो हमने उसको पहले किस चीज़ में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. अगर हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. क्योंकि आप लोग देखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो कि न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर होती है. इट्स मीन कि 9 जो के है वो 2 पर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. ये कंप्लीट तो डिवाइड नहीं होगा, पर क्या होगा कि इसका रिमाइंडर रह जाएगा. उस मेथड के ज़रिए हम लोग पहले ही डिवाइड करना पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं. यहाँ पर हम लोगों ने वही प्रोसीजर करना है डिवाइड का. तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, डिवाइड का मैंने साइन लगा लिया. डिवाइड का साइन लगाने के बाद मैंने क्या किया कि 9 को हम लोगों ने कहाँ पुट करना है, अंदर. डिवाइड के साइन के अंदर हम लोगों ने 9 पुट कर दिया और 2 पर उसको डिवाइड करेंगे अब हम लोग. तो देखिए, 2 4 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 5 तो नहीं आ सकता, 4 आएगा ना. यहाँ पर आपको पता है छोटी वैल्यू पर डिवाइड करते हैं. तो ये आंसर हम कहाँ पर है, 2 4 8, यहाँ हम लोग 4 पुट कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग 8 पुट कर लेंगे. 9 में से जब 8 को कट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, रिमाइंडर. यहाँ हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा 1.
रिमाइंडर क्या रह जाएगा मेरे पास, वन। अच्छा जी, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, अब आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में मैं लिखने का प्रोसीजर बताती हूँ। ये जो हमारे पास फोर है, ये एक होल नंबर आता है, ये क्या होता है, होल नंबर। तो आपको मैंने क्या कहा था, मैं जब हम लोग होल नंबर जो क्या है, हम लोग कहाँ लिखते हैं, साइड पे। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, फोर होल। उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर रह जाता है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर कितना रह गया है, वन। तो वन को हमेशा यहाँ पर न्यूमरेटर की जगह लिख देते हैं वन, और डिनोमिनेटर में हमेशा टू ही रहता है, जो कि डिवाइड जिस पर हो रहा होता है वो सेम वैल्यू वैसे ही रहती है। ये देखिए ये टू। अब इसका आंसर मेरे पास क्या बन जाएगा, फोर होल वन बाय टू। यहाँ पर भी मैंने इसका आंसर पुट किया था, तो ये क्या आंसर था, फोर होल वन बाय टू। चुनाचे 9/2 इज इक्वल टू 4 होल 1/2, इसकी मिक्स फ्रैक्शन होगी। ये स्टूडेंट बी पार्ट है 15/4, इट्स मीन कि हम 15 को क्या कर रहे हैं, 4 पर डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड किया है, तो देखिए मेरे पास आंसर क्या आया, 4 3 12, और 15 में से 12, 15 में से हम लोग 12 को कट करेंगे, मेरे पास रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 3। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखे कि यहाँ पर हम मैंने किया 3, तो अब इसके होल में मेरे पास क्या आ जाएगी, इसके होल में मेरे पास आ जाएगा 3 होल। ओके, 15 में से 12 को कट किया, तो 3 रिमाइंडर रह गया, या तो जो रिमाइंडर रह गया मैंने आपको क्या कहा था वो ऊपर पुट करना है, और 4 का 4, तो इसकी मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगी, 3 होल 3/4। स्टूडेंट अब सी पार्ट मेरे पास क्या है, 45/8। तो यहाँ पर देखे मैंने इसको भी डिवाइड कर लिया है, 8 5 40, और 5 में से 0 को कट किया, मेरे पास क्या रह गया, 5। इसके मेरे पास फिर मिक्स फ्रैक्शन भी सेम उसी तरीके से बनेगी, जो आंसर है उसे मैं साइड पे लिखूँगी, 5 होल है जो रिमाइंडर है उसे ऊपर, और ये 8 नीचे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 होल 5/8। तो यहाँ पर इसकी मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, 5 होल 5/8 इज़ आवर आंसर। जी स्टूडेंट दी पार्ट है मेरे पास 7/3, 7 3, अब क्या करूँगी, 7 को 3 पर मैं डिवाइड करूँगी, यहाँ पर मैंने डिवाइड कर लिया, ये देखिए 3 2 6, 7 में से 6 को कट किया 1। अब यहाँ पर मेरे पास जो कि इसका आंसर है वो क्या बनेगा, 2 होल 1/3। जी स्टूडेंट्स आपके रिमेनिंग पार्ट्स भी सेम उसी तरीके से हैं, उन्हें अच्छे तरीके से सोल्व कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड लक, दुआ में याद रखिएगा।